नैनीताल शहर के एक मध्यम परिवार की एक होनहार छात्रा सोनी अनिश एने का इंडियाज टैलेंट फाइट 2 सीजन 2 के मेगा ऑडिशंस के लिए चयन होना सरोवर नगर के लिए बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि नैनीताल मल्लीताल गार्डन हाउस निवासी सोनी अनिश एनी ने बीते दिनों अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है और इनकी भूमिका सदैव अग्रणी रही है। सोनी के पिता अनिश, माता भागीरथी ने बेटी के चयन होने पर खुशी जताई है। साथ ही सोनी की कार्यशैली, कर्मठता और निरंतरता पर सबने प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नव भारत समाचार नैनीताल से मुनि ब्रह्मान। सोशल मीडिया में फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता चला कि ऐसे कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं सिंगिंग के, तो मैंने कहा सिंगिंग तो मैं करती हूँ और आई कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, तो मैंने फिर इंक्वायरी की, साइन अप किया और उनसे डिटेल्स मांगी, तो उन्होंने बताया कि आपको वर्चुअल ऑडिशंस होना है तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे आगामी जितने भी आपके प्रोग्रेस होगी उसके लिए। सो मैंने ऑडिशन दे दिया उसका और उनको वीडियो सेंड किया, वर्चुअली था, और उनका 10-15 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया और वेरिफिकेशन कोड आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेगा ऑडिशन। तो हम लोग का मेगा ऑडिशन रुड़की में होने वाला है, रुड़की उत्तराखंड में। बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं दूसरों को भी प्रेरित कर पा रही हूँ, मोटिवेट कर पा रही हूँ कि उनको भी हर एक चीज़ का यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम लोग सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहते हैं, तो उसका अच्छे से सदुपयोग किया जाए। लगता है हमें, हमारे पास हर एक चीज़ है, जैसे टेक्नोलॉजी है, हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। तो मैंने भी जैसे फेसबुक सोशल मीडिया में सब आता है नोटिफिकेशन, तो सब में मैंने साइन इन किया था, तो मुझे पता चला कि कुछ सिंगिंग कंपटीशन है, और तो मैंने कहा देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने दे दिया ऑडिशन उसका, ऑनलाइन वर्चुअली था हम लोग को सिंगिंग। जो मैंने 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेट स्कोर किए वो यही कि डिफरेंट कोर्सेज किए जो ज़्यादा आवर्स के थे, कंटिन्यूसली थे, तो इसलिए उसके 10-15 दिन के बाद मेरे पास उनका वेरिफिकेशन कोड आ गया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेगा ऑडिशन। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुश। एक लास्ट शॉट वो भी हम बैठ लेते हैं, क्या लेगा बिना बोलते हो।